हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को यहाँ कवर किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल और उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। भारत के महान्यवादी की शक्तियां और उनके क्या कार्य हैं, इन सभी इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ये कहलाते हैं भारत के महान्यवादी। अब यहाँ पर इनके बारे में आर्टिकल 76 में डिस्क्रिप्शन मिलता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ही शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही शी एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है इसके बारे में आर्टिकल 76 हमारे संविधान का बताता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ये एक चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये यूनियन गवर्नमेंट को सभी लीगल मैटर्स पर एडवाइस करते हैं। ही ऑल्सो इज द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक प्राइमरी लॉयर भी होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल इज जस्ट लाइक एन एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। यानी कि एडवोकेट जनरल की तरह ही होते हैं ये। इज नॉट सपोज टू बी अ पॉलिटिकल अपॉइंटी इन स्प्रिट, बट दिस इज नॉट द केस इन प्रैक्टिस। यानी कि ये कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होते हैं, तो इन्हें पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं कहा जाता, लेकिन ये भारत के लीगल एडवाइजर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफिस। अब इनका क्या टेन्योर होता है? तो देयर इज नो फिक्स्ड टर्म फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नो स्पेसिफिक टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। यानी कि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल महान्यवादी के लिए यहाँ पर भारत में कोई भी फिक्स्ड अवधि, निर्धारित अवधि नहीं बनाई गई है कि इस अवधि तक ही इनका समय काल रहेगा, इसके बाद इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा कोई भी समय यहाँ निर्धारित नहीं किया गया। इसी के साथ इनको किस तरीके से इनकी पोजिशन से हटाया जा सकता है ऐसा भी कुछ प्रोसीजर यहाँ मैंशन नहीं है। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यानी अलग से, जैसे हम कहते हैं कि किसी हाउस के द्वारा मेजोरिटी से बिल पास हो तब उन्हें रिमूव करें 14 डेज में, ऐसा कुछ नहीं है अटॉर्नी जनरल के लिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर निर्धारित करता है, ये किसी भी समय इन्हें इनकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। ही कैन क्विट बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन ओनली टू द प्रेसिडेंट। ये अपनी पोजीशन से रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देकर। सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। कन्वेंशनली ही इज रिमूव्ड व्हेन द काउंसिल इज डिसॉल्व और रिप्लेस्ड। और ये कह सकते हैं हम कन्वेंशनली कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं तो कन्वेंशनली इन्हें कब हटाया जाएगा? जब या तो काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी या फिर रिप्लेस हो जाएगी दूसरी काउंसिल से, तो अटॉर्नी जनरल को हटा दिया जाएगा। अब अटॉर्नी जनरल के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो बीइंग द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। व्हिचएवर लीगल मैटर्स आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ही एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट अपॉन द सेम। पहला तो इनकी ये ड्यूटी है कि ये किसी भी लीगल मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए बाध्य नहीं होते कि वो अटॉर्नी जनरल की एडवाइस को मानेंगे ही मानेंगे। अटॉर्नी जनरल का काम सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करना है किसी भी लीगल मैटर्स पर और यूनियन गवर्नमेंट को भी एडवाइस प्रोवाइड करना है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होते कि वो अटॉर्नी जनरल की एडवाइस को फॉलो करें।
President keeps on referring him legal matters that suits his interest and Attorney General had to advise on those two. यानी President अपने हिसाब से कुछ legal matters पे interest के हिसाब से Attorney General से advice refer करवाते हैं. Apart from what President refers, he also performs the duties mentioned in the Constitution. इसके अलावा President उनसे कुछ लीगल एडवाइस मांगे या ना मांगे पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ड्यूटीज हैं वो भी उन्हें परफॉर्म करनी ही होती हैं. द थ्री ड्यूटीज दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट आर इन एनी लीगल केस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल हैज टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स बिहाफ. यानी किसी भी लीगल केस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई लीगल केस है तो उनके बिहाफ में यहाँ पर अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है. ही हैज टू रिप्रेजेंट द यूनियन गवर्नमेंट इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इन्हें यूनियन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में. यूनियन गवर्नमेंट को भी अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बारे में आर्टिकल 143 में प्रावधान दिया गया. He also appears in the High Court if any case is related to the Government of India. इन्हें High Court में भी appear होना जरूरी है अगर यहाँ पर कोई भी case Government of India से related है तो. ये roles and responsibilities है Attorney General की. इसके अलावा Attorney General की क्या limitations होती हैं? तो to avoid conflict of duty, there are a few limitations that are posted on the Attorney General which he should keep in mind. He should not advise or hold a brief against the Government of India. यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं दे सकते जो कि उनके लिए गलत हो. ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि किसी भी केस से रिलेटेड जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर उनके अगेंस्ट कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते हैं. इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही वहां पर अपीयर होना है अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई केस चल रहा है तो. ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्संस इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको बचाने में डिफेंड करने में उस पर्सन की हेल्प नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के. अगर उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है तब वो ऐसा कर सकते हैं. ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है. दूसरी बात, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है लीगली. इसीलिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉरपोरेशन में कंपनी में एज अ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अगर उन्हें कभी रेफर किया जाए तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है तो कर सकते हैं. तो ये कुछ कंडीशंस एंड लिमिटेशंस है अटॉर्नी जनरल की जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है. अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिए जाएंगे. Important fact about Attorney General of India. We have kuch important fact bhi hain se jude. The Attorney General of India is a part of Union Executive. He is the highest law officer in the country. He can be part of any court in the Indian territory. He got the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named as a member. यानी इन्हें यह भी अधिकार है कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा में बोल सकते हैं अगर लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग चल रही है और वो उस कमेटी के मेंबर हैं पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर हैं तो अटॉर्नी जनरल वहां पर बोलने का भी अधिकार रखते हैं क्योंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है. दूसरी बात, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये इंडिया के. He has no right to vote when he participate in the proceeding of the Indian Parliament. लेकिन केवल ये बोलने का ही अधिकार है. Indian Parliament में इन्हें वोट करने का कोई अधिकार नहीं है. Similar to member of Parliament, he also enjoy all the power related to the immunities and privileges. इसके अलावा as a member of Parliament, जैसे कि Parliament के members रहते हैं उनके सभी powers
और इम्यूनिटीज को ये इंजॉय कर सकते हैं. ही इज नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लीगली एडवाइजर लॉ ऑफिसर होते हैं. ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू एज ही इज नॉट डेबर्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस. इसके अलावा ये लॉयर तो होते हैं तो ये प्राइवेटली प्रैक्टिस तो कर सकते हैं पर प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर. द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही शी मे बी नेम्ड एज मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट. जैसा कि हमने कहा कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बोल सकते हैं अगर उनकी ज्वाइंट सिटिंग की कमिटी चल रही है पार्लियामेंट की और ये एज अ मेंबर है उसमें, तो ये उसमें बोलने का अधिकार रखते हैं लेकिन ये वोट करने का अधिकार नहीं रखते. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड. मेनली ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 76 में हमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है. अब यहाँ पर देयर इज नो फिक्स्ड टर्म ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ये भी हमने पढ़ लिया कि अटॉर्नी जनरल की कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होती है. इन्हें प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है या फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्कशन पर इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट द्वारा. तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है तो भी इन्हें इनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा. आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एडवाइजेस द यूनियन ऑन ऑल लीगल मैटर. ही मस्ट हैव आइदर कंप्लीट 5 years इन द हाई कोर्ट ऑफ एनी इंडियन स्टेट एज अ जज और 10 years इन द हाई कोर्ट एज एन एडवोकेट. अब देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन की हमने शायद बात नहीं की थी, तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होती है अटॉर्नी जनरल के लिए. तो पहली ये कि या तो उन्होंने 5 साल किसी भी हाई कोर्ट इंडिया की हाई कोर्ट में एज अ जज वर्क किया हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल एज अ एडवोकेट काम किया हो. तो इसी कंडीशन पे यहाँ उन्हें अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है. दूसरी बात, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं तो उन्हें यहाँ पर एज अ अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है. तो आई थिंक यहाँ आर्टिकल 76 से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करें. थैंक यू.